अरे ईशानी कब से कॉल कर रही है, मैं तो उसका फोन ही नहीं लग रहा। मतलब क्या बैड न्यूज़ है? एल को किसी ने किडनैप कर लिया। सो मैं एक्चुअली बहुत टाइम से नयन अक्का को ढूंढ रही थी और नयन अक्का मुझे कहीं घर पे दिखती नहीं है। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ रहता है और घर में प्रेम और सम्राट भी नहीं रहते हैं, तो ना चाहते हुए भी मुझे मोहित के पास जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको बड़ा सुनाया, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। मैं बहुत टेंस हूँ उनके लिए, तो मैं मोहित के पास जाती हूँ, उससे डिस्कस करती हूँ कि नयन अक्का मिल रही है, कहाँ पे है। एंड देन ही कॉल्स सम्राट, हिज फ्रेंड। तो मैं सम्राट को कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ है, कि मेरे को आना चाहिए साथ में। उसने मेरे को बताया भी नहीं इतनी ज़्यादा, इतना सब कुछ हो गया। फिर आलिया की एंट्री होती है। सर इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं, तू कहाँ है बता, मैं अभी आ रहा हूँ, ईशानी भी साथ है। हाँ हम लोग आते हैं। सम्राट कहाँ पे हो तुम, प्लीज अपनी लोकेशन भेजो। तो सम्राट सम्राट मोहित को बताता है कि नयन स्कूल वूल गई थी और वहाँ से किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। फिर मोहित ये बोलता है कि इतना सब कुछ हो गया, मुझे बताया क्यों नहीं एंड ऑल। एंड हम कोशिश करते हैं कि हम भी सम्राट के साथ जाके उसको ढूंढे, बट सम्राट मना कर देता है। एंड देन हम लोग रूम में ही रहते हैं एंड सडनली आलिया मैडम आती हैं और हम दोनों को साथ देख के जलमन उठती हैं। किडनैपिंग में दो ही हैं मेरे को लगता है कि इनसे पूछिए। अभी तो मेरे को मानसी और आलिया पे डाउट है, बाकी देखते हैं कि क्या कहानी में बदलाव। अभी यार हमारा जो रिश्ता था वो खत्म हो गया, अब देखते हैं आगे जाके ईशानी मानती है कि नहीं मानती है, उस पर डिपेंड करता है सब, हमारी लव स्टोरी या किसी नई लड़की की एंट्री होगी। तीसरी ये दो से भी कुछ नहीं है। और तीसरी चीज़।